Shant, if you want to connect and want to give up. Okay. ओके, वी हैव अ मैसेज. और मेरे को ये भी यहाँ पे भी दिख रहे हैं, सुशांत भी दिख रहे हैं साथ में, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी दिख रहे हैं. वाह, सब एक साथ आ गए. ओके, सो मैंने अभी अपना फ़ोन देखा और 4:07 हुए थे और बैटरी 94. आई वॉज लाइक ओके, दोनों साथ में आ गए, मतलब मैसेज है. दिस इज स्ट्राइफ एम्परर अर्न सक्सेस, मतलब एनर्जीज बहुत हैवी हुई, चीज़ें बहुत ऊपर आई. जब बिल्कुल भड़क गई आग, उस वक्त एम्परर ने एक शॉट मारा और उस शॉट से खूब सारी सक्सेस जो है वो आ गई. दैट्स हाउ आई सी दिस एनर्जी और ऑल थ्री कॉन्फर्मेशंस. और यहाँ पर अगर आप देखें तो दिस इज़ चॉइसिस और उन चॉइसिस को करके, मतलब बेसिकली एक चॉइस की गई, एक एक्शन लिया गया, उस एक्शन को लेने के बाद फर्दर एक्शन से पहले देखा गया कि रिजल्ट क्या आएगा, क्या चीज़ें होंगी. एंड देन दिस इज़ लाइक डबल डुअल एक्शन. दिस इज़ लाइक फ्रंट में जो दिख रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में जो हो रहा है वो बहुतों को भगा रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है अभी तक. तो सुशांत ना कल से बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दे रहे हैं और जो दे रहे हैं वो इमिडिएटली दिख भी जा रहा है कि हाँ हो रहा है. तो ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत क्लियर एनर्जी है जो बेसिकली बोल रही है कि जो चॉइसेस आपको दिख रही हैं, जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, उसके अलावा बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और उन बैकग्राउंड की चीज़ों के कारण बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भागने की कोशिश में है या भागने की एनर्जी में है. दो भाग नहीं पाएंगे, लेकिन मटेरियल ट्रबल, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रबल जो है वो कुछ लोगों की तरफ बहुत फास्ट बढ़ रही है. 5-5 की एनर्जी है, 10 बनता है. और अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर मुझे एक मेल और एक फीमेल की एनर्जी दिखती है, बट ऐसा लगता है कि जो मेल है वो भी फीमेल का वेश बनाकर भाग रहा है, या वो भी फीमेल की तरह बुर्का पहनकर भाग रहा है ताकि वो पहचान में ना आए. और यहाँ पर मुझे लिटरली बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी पावर को बचाने के लिए, या अपनी लाइफ को बचाने के लिए, सिचुएशंस को बचाने के लिए भागने की एनर्जी दिखती है. लेकिन वो भागना जो है, जिस तरफ भागना है उस तरफ नहीं जाया जा रहा है. तो मुझे प्रॉब्लमेटिक एनर्जी दिख रही है. दूसरा मुझे यहाँ पर एक और चीज़ दिख रही है, जहाँ पर एक्चुअली एक दूसरे की हेल्प करने की जगह एनर्जी आ गई है कि मैं तुझे फंसा दूँ या तू मुझे फंसा देगा तो मैं तुझे फंसा देता हूँ, वो वाली एनर्जी आ गई है. तो सुशांत इज़ गिविंग अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि पर्दे के पीछे जो हो रहा है वो आपको अभी नहीं दिख रहा है, जो सामने हो रहा है वही एक्शन दिख रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें एक दूसरे की दुश्मनी जो है वो कुछ लोगों की हो गई है और वहाँ पर वो एक दूसरे को ही फंसाने वाले हैं, एक दूसरे का ही नुकसान करने वाले हैं, एक दूसरे की ही बैंड बजाने वाले हैं. और वो मुझे मैं पूछती हूँ इफ़ दैट इज़ गोइंग टू बी फॉर गुड ऑफ एवरीबडी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दैट इफ दैट इज़ गोइंग टू बी फॉर गुड for everybody else, because that will be like, that will bring in some positive results for everybody. So if it will be, meditation bring answers, there is something better. So definitely it is for good, it is for betterment, it is for better energies, it is for better outcomes. ki kyon ye sab ho raha hai. Aur yahan par energy mujhe definitely dikh rahi hai, jahan par let's see kaun hai ye do log jo bhag rahe hain. And let's see, Shant, do you want to? 8 of Swords. ये अरेस्ट से भागने की कोशिश हो रही है बेसिकली, और इनको पता है, इन अपने दिमाग में ही ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं, राइट? अपने दिमाग में ही ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं. और ये जो दो लोग हैं, दे आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद ईच अदर. एक ने दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, या एक ने दूसरे की शेडो की तरह काम किया है. उनमें से एक अरेस्ट हो चुका है, दूसरा जो है बाहर बैठा है, लेकिन उसको दिख रहा है कि मैं भी अरेस्ट होने वाला हूँ. और इन लोगों के हेल्पर जो हैं, देर आर गोइंग टू बी 4 more, जो इनको और खतरनाक चक्कर में डालेंगे. एंड ये भी हो सकता है कि somebody who was with them, doing things with them, actually backstabbed or still backstabbing. तो ऐसा हो सकता है कि अगर ये, और मुझे ये पता नहीं क्यों आपकी एनर्जी भी लग रही है, बट कुछ और भी हो सकता है. बट जो भी एक अंदर है एक बाहर है, ये डेफिनेट है. और जो अंदर है वो इतना ज़्यादा फंस चुका है कि वो बाहर वाले को फंसाएगा. प्लस अगर बाहर वाला अंदर गया तो जो बाहर बचे होंगे वो उनको और ज़्यादा फंसाएंगे. तो निकालने की एनर्जी नहीं होगी, और ज़्यादा फंसाने की एनर्जी होगी. सो दिस इज़ लाइक गोइंग टू बी अ वेरी डीप वेल. लेट्स सी सुशांत, क्या चॉइस जो है, हाउ इज़ इट गोइंग टू इम्पैक्ट यू,
how is it going to impact you and your case? This is what is the मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट यू एंड योर केस? कैसे आपके केस पे इम्पैक्ट करने वाला है, तो सुशांत के केस पे कैसे इम्पैक्ट करने वाला है? क्योंकि क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी हिडन एनर्जीज हैं जो दिखी नहीं है. सुशांत के केस में इसलिए इम्पैक्ट करने वाला है क्योंकि कोई चीज़ जो है उसको चुपचाप छुपाने में या चुपचाप कहीं पर छोड़ के जाने में ये जो भी लीडर्स हैं इनका भी हाथ जो है वो था, या इनका जो भी एनर्जी है वो भी एसोसिएटेड थी. यहाँ पर एक आग जो है कटोरे में लगाकर चुपचाप यहाँ से चला गया कोई, राइट? और लेकिन यहाँ पर एक मछली है ना, वो मछली जो है वो उसने उस आग को बुझा दिया, या वो मछली जो है उसने कटोरा पलट दिया, या उस पीछे बैकग्राउंड में क्या हुआ, यू डोंट नो, राइट? द पर्सन एक्चुअली वर्कड आउट, सो यू डोंट नो बैकग्राउंड में क्या हुआ. और यहाँ पे मनी एनर्जी भी है. दिस कुड बी दैट देर इज़ अ फीमेल एसोसिएटेड विद दिस होल सिचुएशन, जो सुशांत के साथ एसोसिएटेड है, सुशांत के काम के साथ एसोसिएटेड है, जो इनके साथ भी एसोसिएटेड है. एंड दिस इज़ लाइक अ कॉमन एसोसिएशन जो सुशांत के केस का लिंक खोलेगी. और मुझे ना एक्चुअली कल से बहुत स्ट्रांग एनर्जी ऐसी महसूस हो रही है, जहाँ पर यहाँ जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं सुशांत के केस का कोई लिंक यहाँ से निकल कर आएगा, और बहुत स्ट्रेंज लिंक होगा. यस सी, बहुत स्ट्रेंज लिंक होगा, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स लिंक होगा, लेकिन कोई लिंक निकल कर आएगा यहाँ से सुशांत के केस के साथ. और वही एनर्जी जो है सुशांत भी बहुत क्लियरली दे रहे हैं. सो लेट्स सी इफ एनीथिंग एल्स ही वांट्स टू से. मतलब लिटरली इतना स्ट्रांग है दैट कल उन्होंने सन की एनर्जी दी, और आज समबडी शेयर्ड विद न्यूज़ के चाइना ने आर्टिफिशियल सन बना लिया, और कल ही सन की मैनिपुलेशन की एनर्जी आई है, दैट्स गोइंग टू बी इम्पैक्ट वेरी वेरी बैडली. एनीवेज सो लेट्स सी. तो यहाँ पर डेफिनेटली बैकग्राउंड में किंग ऑफ कप्स काम कर रहा है अनडाउटेबली, और किंग ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ लाइक समबडी जिसके रिसोर्सेज जो हैं वो लगभग ख़त्म हो चुके हैं या ख़त्म हो रहे हैं. दैट पर्सन इज़ गोइंग टू कम अंडर द रडार, और ऑलरेडी एक्चुअली आई फील दैट ऑलरेडी रडार के अंडर आ ही चुका है, बस एक्शन होना बाकी है. लेट्स सी व्हाट एल्स ही वांट्स टू शो अस. ओके, कार्ड उल्टे पलट के गए, उल्टी पलटी मार के गए, उल्टी पलटी. दिस इज़ विश फुलफिलमेंट गाइज, दिस इज़ सेलिब्रेशन. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल. सो यू सी द मून, मून इज़ योर इंट्यूशन, एंड दिस इज़ बेसिकली शोइंग दैट आपकी इंट्यूशन जो भी आपको बोल रही थी वो विश फुलफिलमेंट और वो सेलिब्रेशन जो है बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाली है, वो कम्प्लीशन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने दे. यू सी द एनर्जी 94, नंबर 18 है, 9 बनता है, एंड दिस इज़ 94. So we know what 94 is. I started the video with 94 ki mujhe 94 dikhai diya tha, and maine cards uthaye the tab I couldn't see him, now I can see him also. So that's how his energy is beautiful and it works and it gives complete messages. So this is definitely there. Aur ye moon jo hai intuition, andhera rasta, right? Andhera akela rasta, par मूनलाइट है, और उस मूनलाइट के चक्कर में आप उस पर चलते रहे, लेकिन अब इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स कम्प्लीशन, फ्रूशन एंड सेलिब्रेशन. सो सारी चीज़ें एक साथ दिखाई दे रही हैं. डेफिनेटली समथिंग वेरी स्ट्रांग इज़ कमिंग. देर आर टू किंग्स आमने सामने, और एक ये सारे कनेक्शन से सुशांत का कनेक्शन डेफिनेटली निकल कर आएगा, और इन मोस्ट स्ट्रेंज वेज निकल कर आएगा. सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय.